हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय कवि और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में इस वक्त जो माहौल चल रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, साथ ही देश में जो अलग माहौल बना हुआ है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सर्वाइव करी और नई चुनौतियां लगातार पेश आ रही है उनको लेकर बात करते हैं। शनद भाई, आज सबसे पहले तो आप चादर पेश करने आए, तो उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। उसकी मुबारकबाद और चादर पेश कर रहे हैं, चादर पेश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की चादर यहाँ पर लेकर के आए हैं हम लोग, और मुख्यमंत्री जी की भी चादर है वो भी पेश होगी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उनकी भी चादर है, कैबिनेट मंत्री हमारे गोपाल राय जी हैं उनकी भी चादर है, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे सचिन जैन हैं उनकी भी चादर है, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे और कैलाश गहलोत जी हैं उनकी चादर है, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे इमरान हुसैन साहब हैं उनकी भी चादर है, और भी हमारे जो कमिश्नर हैं उनके भी चादर हम लेकर के आए हैं, और एलजी साहब की भी चादर हम साथ में लेकर के आए हैं। कुल मिलाकर ये है कि पूरी दिल्ली की चादर आज अजमेर में पेश होने आई है, जिसको कि हमारे दिल्ली स्टेट रूल्स कमेटी के चेयरमैन एफआई इस्माइली साहब और उनके तमाम मेम्बरान, जिसमें एक मेंबर मैं भी हूँ, इस स्टेट कमेटी में मेम्बर मैं भी हूँ, हम ये चादर लेकर के आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर चैन और अमन के दुआ कहा, कायम हुए मुल्क में ऐसी दुआ की है, और उन्होंने कहा है कि ख्वाजा साहब ने प्यार और मोहब्बत की मिसाल कायम की। सूफी संत ख्वाजा साहब ने पूरी दुनिया में, पूरे देश में ऐसा ही प्यार और मोहब्बत पूरे देश में बनी रहे, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों को ऊपर वाला कामयाब करे इसके लिए हम दुआ करने आए हैं। आज खुशी की बात यह है कि बापू की पुण्यतिथि भी है और ख्वाजा साहब की चादर भी पेश हो रही है, दो संतों की एक साथ याद करने का मौका हमें मिल रहा है कि एक की पुण्यतिथि और एक को चादर पेश की जा रही है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, दोनों रूहों को अगर मैं महसूस करूं तो ये महसूस हो रहा है कि नीचे ख्वाजा साहब, ऊपर पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर, ये महसूस हो रहा है कि मिलन ये देख संतों का, धरा भी खिलखिलाई है, हंसी होठों पे और चेहरे पे खुशियां झील मिलाई है, और इसे संतों के संगम की कोई संज्ञा नहीं देना, मुझे लगता है कि यमुना से गंगा मिलने आई है। दूसरी चीज ये है कि मैं कवि हूँ, कवि हृदय है, तो कवि हृदय जो होता है वो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं करता है, तो इस मौके पर मैं हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि हर हिंदुस्तानी को आज ये महसूस करना चाहिए और हर हिंदुस्तानी के दिल में ये ख्वाब पलना चाहिए जो मैंने अपनी इस तहरीर में बयां किया है, जो मैं अपनी नज्म में मैंने बयां किया है कि मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, भारत की मिल्कियत है वो भारत में रहेगी, गंगो जमन की आबो हवा यूं ही बहेगी, ख्वाजा के दर से बाद सबा दे रही सदा, पुष्कर को छूने से ही उसे मिलता सुखन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। और दूसरी चीज, जब गांधी जी इस दुनिया से गए थे आज के दिन, तो आखिर में उनके मुंह से निकला था हे राम, और हम ख्वाजा के दर पे जाते हैं तो ख्वाजा भी कहते हैं कि कलाम पाक से जो सीखे हो वो दुनिया में सिखाओ, तो मुझे ये महसूस होता है कुरान कि कुरान ने मुझे तो सब्र करना सिखाया, और राम ने कांटों के पथ पे चलना सिखाया, पूजा नमाज एक चटाई पे होते देख, दुनिया भी है हैरत में कैसा इनका वतन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, और अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं तकलीफें तो लाख आएगी, लेकिन उन तकलीफों का हल हमारा अंदर का जहन है कि हम मेकअप माइंड कितने हैं, डिटर्मिनेशन हमारे अंदर कितनी है,
उसके आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं और जो परेशानी है वो भी एक दिन खत्म हुई। और दिल्ली की एमसीडी जीतने के बाद आज भी वहाँ पर मेयर को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्यों आ रही है? वहाँ पर केंद्र का शासन नहीं है, वहाँ शासन अरविंद केजरीवाल की सरकार का है। एलजी साहब केंद्र की तरफ से अपॉइंट होते हैं, लेकिन अगर हमारी हर फाइल को रोक लिया जाएगा तो काम कैसे होगा? लेकिन अरविंद जी फिर भी कहते हैं कि हमें झुकना आता है, हम तो झुक लेंगे लेकिन काम कर दीजिए, जनता का काम होना चाहिए। मेयर क्यों नहीं बना रहे हैं? फिगर हमारे पास पूरे हैं, 250 में से कितने चाहिए थे? 126 चाहिए थे, हमारे पास 134 है, फिर भी हमारा मेयर नहीं बनने दे रहे हैं। जबकि हमारा जो फिगर है जिसके अंदर और मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, वे भी वोटिंग करते हैं, सांसद वोटिंग करते हैं, और भी अलग जो हैं वे वोटिंग करते हैं, राज्यसभा सांसद वोटिंग करते हैं, तो हमारे तो 151 की पूरी हमारी तो गिनती पूरी है। उसके बाद भी वहाँ पर बीजेपी ने हो हल्ला करके वहाँ पर सदन को एडजर्न करा दिया अनिश्चित काल के लिए, तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है। लेकिन कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन जरूर मेयर की कुर्सी हमारे हाथ आएगी। तो लेकिन इस बार क्या है कि एलजी साहब को हमने प्रार्थना की, उन्होंने फिर 4 तारीख लगभग दी है कि 4 तारीख को शायद मेयर की वोटिंग होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि जनता ने जिसको मैंडेट दिया है उसको बीजेपी स्वीकार करे। अगर वो बीजेपी आज स्वीकार नहीं करेगी तो इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा उनको दूसरे राज्यों में शिवराज सिंह की सरकार के है वहां पर भुगतना पड़ेगा आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के अंदर। और उसी को देखते हुए राजस्थान के अंदर चुनाव आ रहा है, गहलोत जी की सरकार है, और गहलोत जी की सरकार के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जयपुर में किसी बच्चे के साथ गलत होता है, फिर किसी बहन बेटी के साथ और गलत हो जाता है, रात को उस बच्चे को कोई उठा के ले जाता है, उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लेता है, मंत्री के बेटे पे एलिगेशन लगते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। अगर इस तरह का एलिगेशन हमारे पार्टी के किसी नेता पे होता है तो अरविंद केजरीवाल तुरंत उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपारदर्शिता होनी चाहिए, हर चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी के बल पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राजस्थान के चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी ने अभी कहा है कि हम राजस्थान में मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, संगठन बनाने की तैयारी चल रही है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संगठन बनाने के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, जिसमें से जो कि हमारे डॉक्टर संदीप पाठक जी हैं, उन्होंने जयपुर में अभी सारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। और अब जल्दी ही राजस्थान में नए तरीके से संगठन बनेगा और संगठन के बाद में सबको जिम्मेदारियां दी जाएगी, जिसकी जैसी कुवत है, जिसकी जैसी योग्यता है, उसके आधार पर उसको जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके बाद संगठन को आगे बढ़ा करके फिर टिकटों का वितरण भी होगा और मुस्तैदी के साथ 200 की 200 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे।